मित्रों, बाबा जी की कथा और उनके विषय में बात करते मन नहीं भराता, फिर भी एक और सत्य घटना आपको मैं शेयर करता हूं जो हमारे साथ स्वयं घटी। हमारा मन उनके श्री चरणों में लगने लगा, यहां वहां से सुनकर और उनकी साहित्य पढ़कर मन में उनके प्रति श्रद्धा भावना जागने लगी। फिर मन में विचार किया कि जब सब आप लोगों को जब आप दर्शन देते हैं तो हमें भी आप दर्शन दीजिए। ऐसे ही मन में विचार करके हम अपने कार्यों में लगे रहते थे। एक दिन हमारे गृह निवास के पास में सेवापति मंदिर है, वहां पर एक बुढ़िया आई। सब लोग कोई उनको पैसा कोई कुछ, हम गए जैसे ही तो बोली कि मेरे को भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा रहता। हम तुरंत लौटे, दरवाजा खोला, कुछ था खाने के लिए, वह उनको दिया। बेटा बस संतृप्त हो गए और वो वहां से हम अपने दरवाजे बंद करने आए। देखा पलट कर तो फिर मन में आया विचार कर, बाबा महिला के रूप में आ गए थे, श्वेत वस्त्र पहने थे उनका। ऐसे ही कुछ घटनाएं और घटी। फिर हमने बाबा जी से निवेदन किया कि आप इस प्रकार दर्शन दे रहे हैं, हम आपके कंबल वाले रूप में दर्शन दीजिए, तब तो हम मानेंगे कि आप कृपा कर रहे हैं। एक दिन मार्केट में हम अपनी बाइक से वाहन से जा रहे थे, सामने से एक मैले कुचेले कपड़े पहने और ऊपर से कंबल फटा जैसा बाबा जी पहनते हैं वैसे ही, लेकिन उनको देखने से कोई भी उनसे घृणा की दृष्टि से ही देखता, इस प्रकार उनकी स्थिति थी। बाल उलझे, हाथ पैर भिड़ना है, चप्पल जूते कुछ नहीं, लेकिन कंबल वही पहना उन्होंने। हम देख के एकदम अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो निकल गया आगे, लेकिन एक सेकंड में हमारे मन ने क्लिक किया कि ये तो बाबा जी थे। हमने गाड़ी पलटाई, देखा तो वहां कोई नहीं, बाबा जी ने इस प्रकार दर्शन दिए। वो बात भी हमारी उनने पूरी करी कि कंबल के रूप में उनने दर्शन दिए, और हमारी इच्छा हुई कि हमें भी बाबा जी आपके जैसा कोई कंबल मिल जाता। कहने की बात तो नहीं, लेकिन दूसरे ही दिन एक शिष्य भक्त ने हमको पाठ करने जाते थे शिव पुराण का, वहां पर उनने उस दिन हमको तिलक करके एक कंबल दिया जिसपे हम बैठकर आज भी पूजन करते हैं। ऐसे हैं बाबा जी। बोलिए गुरु महाराज की।